प्रेग्नेंट वुमेन को अक्सर अपने डाइट को लेकर खास ख्याल रखना पड़ता है, खास तौर पर टमाटर को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रेगनेंसी में टमाटर खाना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। खट्टा मीठा टमाटर खाने में बहुत ही लजीज लगता है। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट से भरे टमाटर प्रेगनेंसी में खाना सही है या नहीं, इस पर अक्सर असमंजस रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डाइटिशियंस की जानकारी के आधार पर आपको बताएंगे कि आखिर इससे फायदा होता है या नुकसान। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में टमाटर खाना सेफ है या नहीं। तो आपको बता दें, प्रेगनेंसी में टमाटर खाना पूरी तरह से सही है, पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला को गॉल ब्लेडर का इन्फेक्शन, किडनी की परेशानी या यूट्रस का इन्फेक्शन है, तो ऐसी गंभीर बीमारियों में टमाटर का बीजों के साथ सेवन ना करें, बिना बीज के खा सकते हैं। टमाटर में विटामिन सी, फॉलेट आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पोषक तत्व प्रेगनेंसी में खाने से शिशु और माँ दोनों को फायदा पहुँचाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में टमाटर खाने के क्या फायदे होते हैं। टमाटर में विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों ही गुण गर्भवती महिला को इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, साथ ही डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस में भी मदद करते हैं, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से गुजर रही हैं तो कच्चा टमाटर ना खाएं और बीज के बिना खाएं। इसके अलावा टमाटर में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पेट संबंधी परेशानियों को दूर रखती है और पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इसके अलावा डाइटिशियंस का कहना है कि टमाटर में लाइकोपीन नामक कंपाउंड पाया जाता है। इस कंपाउंड में एंटी कैंसर गुण होते हैं, जो अगर गर्भवती महिला टमाटर खाती है तो वो भी कैंसर से बच सकती है। पर यह ध्यान दें कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, टमाटर इसका बचाव नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में महिलाओं को कब्ज की शिकायत सबसे ज्यादा रहती है, ऐसे में अगर वो टमाटर का सेवन सलाद के रूप में या सूप के रूप में करती हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। डाइटिशियंस का कहना है कि टमाटर में पाए जाने वाला फाइबर खाने को बचाने में मदद करता है। दूसरा, टमाटर में पानी की मात्रा अच्छी होती है, जो कब्ज नहीं बनने देता। इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी और लाइकोपीन पाया जाता है और टमाटर एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है, जिसके सेवन से शरीर में सूजन जैसी परेशानियां दूर होती हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो उसे भी शरीर की सूजन से निजात मिलेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये मांसपेशियों के दर्द से भी बचाता है। गर्भावस्था में मांसपेशियों में ऐंठन बहुत होती है, टमाटर का सेवन उस परेशानी से भी बचाता है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि आखिर टमाटर को डाइट में कैसे शामिल करें। डाइट में टमाटर को शामिल करने के लिए आप उसका सूप, चटनी, सलाद, सब्जी में डाल सकते हैं। कई तरीकों से आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था में टमाटर का सेवन करने से पहले ध्यान दें कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर की सलाह से टमाटर का सेवन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।